आज तक घर नहीं मिल पाया मेरे को। एक बात मैं आपको दो लाइने में कहूंगा, दीवार रही, चूल्हा गया, सब कुछ हमारा लूट गया, सब सामान बेच बेच के हम लोग अभी तक घर चला रहे हैं। ये दर्द है पात्रा चौल में रह रहे 672 परिवारों का, जिसमें कुछ लोगों की जिंदगी सड़क पर गुजर रही है तो कोई गहने बेचकर किराया चुका रहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत को 2008 के आवासीय प्रोजेक्ट पात्रा चौल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन घोटाले के पीछे 7000 एकड़ में फैले पात्रा चौल में कई परिवारों की तकलीफ से भरी एक कहानी भी है। इस पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए हमारी टीम जब उत्तर मुंबई के गोरे गांव में बनी सिद्धार्थ नगर पात्रा चौल पहुंची तो वहां फ्लैट के नाम पर सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें मिली। हमने यहां रहने वालों को खोजना शुरू किया तो हमें 5-6 परिवार मुंबई के बाहरी इलाके में रहते हुए मिले, जिन्होंने अपनी बदहाली की कहानी बताई। सर, इतना दिक्कत का सामना करना पड़ा कि घर का सोना बेचना पड़ा, सब सामान बेच बेच के हम लोग अभी तक घर चला रहे हैं। 8 साल से हमको सर भाड़ा नहीं है और रूम वाले हमको रूम नहीं देते, अभी आपके पास भाड़ा नहीं है, आप मत रहो, इधर हमारा गांव जाओ, किधर भी जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं है। बिल्डिंग कुछ बंद रही नहीं है, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं, सब मिनिस्टर आते जाते बोलते तुमको भाड़ा देंगे, कुछ दे रहे नहीं है। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरी सास, वो लोग तो सब बचपन से वहाँ पे ही रहे थे, मुझको कुछ उतना कुछ ये नहीं। मैं उधर शादी करके घर पे गई, थोड़े दिन में पता चला कि ये टूटने वाला है करके, मैं बोली चल ठीक है बाबा, क्योंकि अभी मुंबई शहर में भाड़े से रहने का बोले तो बहुत दिक्कत आता है। दादा ऐसे किया था कि 2 साल में घर देंगे, पर 2 साल के बदले आज 17-18 साल हो गए, कुछ नहीं, खाली आश्वासन दे रहे और कुछ नहीं, बस जाते है आते है, बस खाली डॉक्यूमेंट देते और कुछ नहीं। मैं यहाँ से ही छोटे से आज बड़ा हो गया, पर आज तक घर नहीं मिला। यहाँ रहने वाले थे नहीं, हम यहाँ के ही है और यहाँ ही रहेंगे और यहाँ किसी का हक नहीं करने देंगे। 15-20 साल हो गया हमारे, हम घर के लिए इंतजार कर रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन सिर्फ घर ही हमारा मकसद नहीं है, घर के साथ हमारे जो जिंदगी का वजूद है जिसकी वजह से इतने साल से हम परेशानी भुगत रहे, वो भाड़ा मिलना भी जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि जो रिहा, मतलब जो हम ओरिजिनल टेनेंट है वो बाहर है, उनके घर आधे अधूरे बन के पड़े हैं और जो बिक्री का माल है वो रेडी होके तैयार हो गया है। एग्रीमेंट के तहत 3 साल में ये कंस्ट्रक्शन पूरा होना चाहिए था, लेकिन काम स्लो होते होते फिर एक बार 3 साल के लिए एग्रीमेंट रिन्यू किया गया 2015 तक के लिए। उसके बाद में जो काम बंद हो गया और भाड़ा बंद हो गया, वो बंद ही हो गया। मुंबई सपनों की नगरी है और ऐसे ही कुछ सपने पात्रा चौल में रहने वाले इन गरीबों को बिल्डर और नेताओं की ओर से दिखाए गए। 14 साल का समय बीत चुका है और आज भी 600 से ज्यादा परिवार एक छत का इंतजार कर रहा है, इनमें से आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतने सालों में इन लोगों को सिर्फ एक चीज मिली है, वह है आश्वासन और झूठे वादे। आशीष राय, दैनिक भास्कर, मुंबई। क्योंकि सच करीब से दिखता है।